नमस्कार, आई एम डॉक्टर वाणी वाजपेयी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट एट वैभव हॉस्पिटल वाराणसी। हम लोगों ने ये वीडियो इसलिए बनाया है जिससे कि हम मेंस्ट्रुएशन पीरियड में जो कुछ भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई हैं उसको आपको उस सबसे अवगत करा सकें। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है। मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम पीरियड भी कहते हैं, एक्जैक्टली दिस इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना विच अकर्स इन ऑल फीमेल्स। हर फीमेल में होता है वंस इन अ मंथ इन विच यूट्रस जस्ट शेड द इंटरनल लाइनिंग इनर लाइनिंग ऑफ इट दैट इज़ कॉल्ड एंडोमेट्रियम वेजाइनली अलॉन्ग ब्लड मिक्स विद म्यूकस एंड टिश्यू। तो इट इज़ सो, जैसे हमने इससे बताया कि मेंस्ट्रुएशन क्या है, तो ये बहुत क्लियर है कि ये हर फीमेल में होता है, नॉर्मल फिनोमिना है, वंस इन अ मंथ होता है। जब ये इतना नॉर्मल फिनोमिना है, देन वाई इसके साथ इतनी भ्रांतियाँ जुड़ी हुई हैं, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। बट सीरियसली देयर आर द थिंग इज़ दैट कि इसके साथ हैं भ्रांतियाँ जुड़ी हुई। जैसे कि इन इंडिया इट्सेल्फ टॉकिंग अबाउट द मेंस्ट्रुएशन और अ पीरियड इट्सेल्फ इज़ अ टैबू। यू दे डोंट वॉन्ट टू टॉक, इसको बात करने में शर्म आती है। अब ये अलग बात है कि अब पैडमैन टाइप ऑफ मूवीज़ बनी तो लोग आर मोर अवेयर एंड विच वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड द नीड ऑफ आ। हम कुछ भ्रांतियों के बारे में बात करते हैं, तो उसमें जैसे फर्स्ट भ्रांति हम बात करते हैं, एक भ्रांति है कि मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन अपवित्र होती है, इम्प्योर होती है। यस, पीपल थिंक कि मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन जब होती हैं वो इम्प्योर होती हैं, इस वजह से उन्हें किचन में नहीं जाना चाहिए, पूजा घर में नहीं जाना चाहिए। और किचन एंड पूजा घर तो बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई, दे आर नॉट इवन अलाउड टू टच होली बुक्स। और कुछ लोगों को ये भी भ्रांतियाँ हैं कि इस समय फीमेल्स के बॉडी से कुछ रेज निकलती हैं, जिससे कि वो रेज निकलने की वजह से वो उनके ऊपर इविल चीज़ें तंत्र मंत्र किए जा सकते हैं। और इवन दे शुड नॉट गो एंड कुछ पेड़ों में पानी भी नहीं डालना चाहिए, जैसे तुलसा और इनके पत्तियां और इनके आसपास भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो पेड़ जल जाते हैं। इजंट इट क्वाइट फनी, बट इट इज़ ट्रू दिस मिथ। ये जो भ्रांति है, तो बीइंग अ डॉक्टर आई कैन टेल यू कि दिस हैज़ नथिंग टू डू बिकॉज इट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना। इम्प्योरिटी का कोई मतलब ही नहीं है, एक नॉर्मल फिनोमिना है जो हर फीमेल में हो रहा है, तो देर इज़ नथिंग लाइक इम्प्योरिटी अबाउट इट। देर इज़ द शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। देन सेकेंड भ्रांति जो आती है वो है कि जो मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन है उसको नहाना नहीं चाहिए, या बाल जब वो मेंसेस आ रहे हो या पीरियड आ रहा हो उस समय नहाना नहीं चाहिए, या फिर उसको बाल नहीं धोने चाहिए। ये दोनों चीज़ मना की जाती है। अगेन दिस इज़ क्वाइट फनी एंड अ मिथ, वी ऑल नो हाउ, बिकॉज और ऑन कॉन्ट्ररी इट इज़ द डिफरेंट थिंग। कॉन्ट्ररी क्या होना चाहिए कि आप नहाएंगे नहीं तो अनहाइजीन मेंटेन नहीं होगी, और हाइजीन मेंटेन नहीं होगी तो आपको और भी इन्फेक्शन होंगे, तो आपको नहाना चाहिए। और इवन गर्म पानी से नहाना आपके कुछ आपको बॉडी को ईज करता है और आपको क्रैम्प्स और उसमें भी हेल्प करता है, जो आपको पेन होता है ड्यूरिंग पीरियड्स वो उसमें भी हेल्प करता है। तो ऑब्वियसली अगेन इट इज़ अ मिथ। देन कमिंग टू द थर्ड मिथ, द थर्ड मिथ इज़ लाइक कि आप अगर पीरियड के दौरान संभोग करने से आप प्रेग्नेंट नहीं होते। इसका कुछ परसेंटेज राइट भी हो सकता है अगर आपकी साइकिल्स बिल्कुल रेगुलर हों, 28-30 डेज की साइकिल्स हैं, और उस दौरान अगर आप पीरियड्स के दौरान साथ रहते हैं तो मे बी 80% ऑफ वीमेन मे नॉट कंसीव, बट समटाइम्स स्पर्म स्टेज इन वेजाइना फॉर 5 डेज, और अगर उस समय ओवुलेशन जल्दी हो जाए तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो इट इज़ बेटर टू बी कि आप प्रिकॉशन लें रादर देन टू बी सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि यू विल नॉट गेट प्रेग्नेंट। देन द थर्ड देन द फोर्थ मिथ कम्स आउट टू बी एक्सरसाइज इज बेड ड्यूरिंग द पीरियड्स। इनफैक्ट ये भी एक
ऑन कॉन्ट्ररी इट इज़ डिफरेंट कि आपको अगर एक्सरसाइज विल हेल्प टू ईज द पेन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन एंड देन इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिक्रीज द ब्लड फ्लो, तो एक्सरसाइज की कोई मनाही नहीं है। ये एक सिंपल आपका वो है कि आप नई पीरियड्स के दौरान, एक भ्रांति है ये भी कि नहीं पीरियड्स इसके दौरान, पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। देन देर इज एक और भ्रांति है कि आप ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज इन नॉर्मल पीरियड, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पीरियड में ओनली इट इज 60 to 80 ml ऑफ ब्लड दैट इज लॉस, जैसे 6 to 8 टेबलस्पून्स, तो इट इज बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होने का कोई सेंस ही नहीं है, और ये एक भ्रांति है ये भी हम समझ रहे हैं। फिर एक और होता है कि जो पीरियड ब्लड होता है वो बहुत, दैट इज़ अ अनक्लीन ब्लड। अनक्लीन ब्लड हाउ कम? क्योंकि दिस इज जस्ट नॉर्मल ब्लड, आपकी बॉडी का ब्लड है, ओनली इट इज़ मिक्स्ड विद म्यूकस एंड वेजाइनल डिस्चार्ज एंड टिश्यू, तो इट इज़ अ वेरी नॉर्मल प्योर ब्लड। हम अब एक और भ्रांति पे आते हैं कि जैसे कि लोगों को बोला जाता है कि जो पीरियड के पहले कुछ लड़कियों को सिर दर्द होता है, ब्रेस्ट में डिस्कम्फर्ट होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया होता है, इट इज़ सेड कि ये सब बनी बनाई बातें हैं, ऐसा कुछ है नहीं। देर इज़ नथिंग लाइक प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, नो, बट दैट इज़ ट्रूथ। बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, बिकॉज ईस्ट्रोजन का ड्रॉप होता है और प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होता है, साइंटिफिकली इवन आपको ये नहीं पता है तो भी आपको ये पता चाहिए देर इज़ अ हार्मोनल चेंज ड्यूरिंग जस्ट बिफोर द पीरियड्स, तो एक कुछ चेंजेस आते हैं बॉडी में, तो इट इज़ ओके, दिस इज़ नॉट मेड अप थिंग कि नॉर्मल है। अब हम ये मिथ्स के बारे में बात कर ही क्यों रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मिथ्स, मतलब अगर ये भ्रांतियाँ हैं तो ठीक है, हम इनके बारे में बात करने से फ़ायदा क्या? बिकॉज दिस इम्पैक्ट वीमेन लाइफ, इनफैक्ट इस इम्पैक्ट द सोसाइटी। अगर आप को ये जो मिथ्स हैं इसकी वजह से, कैन यू इमेजिन 23% ऑफ इंडियन वीमेन, इंडियन फीमेल्स, दे आर जस्ट बीन ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल व्हेन दे स्टार्ट मेंसेस। जब जैसे उनका पीरियड स्टार्ट होता है दे आर टू आस्क कि अब स्कूल नहीं जा सकते हो। दिस इज सैड बट ट्रूथ, रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। देन देर इज अगेन अनदर, इससे नुकसान क्या हो रहा है? जेंडर इनइक्वालिटी। जब आपके पास मिथ्स होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, आपको सही ज्ञान नहीं होता है, तो इस क्या होता है फीमेल्स के लिए कि तरफ एक बायस्ड ओपिनियन हो जाता है पीरियड के समय ये नहीं करना, और वो भी ये मानने लगते हैं कि हमें ये नहीं करना, तो योर होल एक्टिविटी इज डिक्रीज, यू डोंट लिव द लाइफ फुली। देन इसलिए हमें इसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ता है, तो जब आपकी, इसलिए हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा चलो, पता लगने के बाद इस वीडियो बनाने का मतलब क्या था कि हम आपको इससे अवगत कराएं और इससे, और इसके लिए हम कुछ करें, व्हेन, बिकॉज एजुकेशन इज़ द ओनली वे जिससे हम सबको बता सकते हैं और हम ये भ्रांतियाँ हटा सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो बनाया गया है कि सो दैट अवेयरनेस आए और आपको पता चले ये सब भ्रांतियाँ हैं, इट्सेल्फ दे आर मिथ्स, दे आर नॉट ट्रुथ्स, एंड आई बिलीव दिस वीडियो मस्ट बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड आई कैन से बी अवेयर एंड स्प्रेड अवेयरनेस। थैंक यू।